गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गुरुग्राम में लगातार अपराध बढ़ता चला जा रहा है। बुजुर्ग महिला की हत्या का ये पूरा मामला गुरुग्राम से बड़ी खबर। बुजुर्ग महिला की मौत गुत्थी बन चुकी है। रात मिली थी बुजुर्ग के एक्सीडेंट की खबर। बुजुर्ग के घर में ही बुजुर्ग महिला की हत्या का यह पूरा मामला बुजुर्ग महिला की मौत अब गुत्थी बन चुकी है। रात मिली थी बुजुर्ग के एक्सीडेंट की खबर। बुजुर्ग के घर में ही मिले खून के धब्बे। बुजुर्ग महिला की हत्या का यह पूरा मामला गुरुग्राम से खबर। बुजुर्ग महिला की मौत गुत्थी बन चुकी है। रात बुजुर्ग के एक्सीडेंट की खबर मिलती है और बुजुर्ग के घर में ही खून के धब्बे मिले हैं। गुरुग्राम के बलदेव नगर का यह पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। गुरुग्राम से बड़ी खबर, बुजुर्ग महिला की हत्या का यह पूरा मामला। बुजुर्ग महिला की मौत की जो खबर है वो पूरी तरीके से गुत्थी बन चुकी है। गुरुग्राम के बलदेव नगर में अकेले रहती थी महिला। बुजुर्ग महिला की हत्या का यह पूरा मामला पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हर पहलू से जांच की जा रही है। आपको बताते चले, रात में एक्सीडेंट की खबर मिलती है और जब घर में जाकर तलाशी ली जाती है तो बुजुर्ग महिला के घर में ही खून के धब्बे मिले हैं। तो बुजुर्ग महिला की हत्या का यह पूरा मामला जो अब उलझता हुआ चला जा रहा है। रात मिली थी बुजुर्ग के एक्सीडेंट की खबर। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालने का प्रयास कर रही है। तो आपको बताते चले, हर एक पहलुओं पर पुलिस यहां जांच में जुटी हुई है। और सीसीटीवी फुटेज की अगर हम बात करते हैं तो सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है कि आखिरकार बुजुर्ग महिला की हत्या कैसे हुई है, क्योंकि रात में खबर मिलती है एक्सीडेंट की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिवानी हमारे साथ जुड़ गई। शिवानी, आप करूंगी, ये जो बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला है वो पूरी तरीके से उलझता चला जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल सृष्टि, जिस तरीके से ये जो बुजुर्ग महिला का जो मामला है वो उलझता जरूर जा रहा है। जो ये बुजुर्ग महिला है 70 वर्षीय, ये गुरुग्राम के बलदेव नगर गली नंबर 13 में जो है वहां के निवासी थी, जो कि अपने मकान में अकेली रहती थी और वहां पर उनके साथ जो है किराएदार जरूर रहता था। और वो किराएदार जो है वही उनका जो ध्यान है वो रखा करता था। और महिला को भी जो है एक क्योंकि किराए का साधन जो है उसको एक मिला हुआ था, तो उसकी वजह से जो है वो महिला उस व्यक्ति को जो है अपने घर में रखे हुए थी। और उस व्यक्ति की अगर उम्र की बात करूं तो 23 से 24 साल उस व्यक्ति की जो है उम्र बताई जा रही है। हालांकि 2 से 3 दिन पहले जो है वो व्यक्ति इस महिला को जो है हरिद्वार घुमाने के लिए लेकर गया था और उसके बाद कल रात को 2 बजे ही खबर परिजनों को मिलती है कि जो बुजुर्ग महिला है उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो गई है। फिर उसके बाद जब परिजन जो है, हालांकि शव फिलहाल जो है वो दिल्ली में ही मौजूद है, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में मौजूद है, लेकिन सूचना मिली कि जब महिला जो है इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो परिजन जो है वो उनके घर पर जाना जो है वो शुरू हो गया और जो परिजन है वो बुजुर्ग महिला के घर पर पहुंचे। तो वहां जो देखने वाली स्थिति मिली दृश्य वो इस प्रकार की थी कि वहां पर पूरे घर में जो है खून के धब्बे दीवारों पर मिले हैं, जिससे कि साफ हो जाता है कि जो एक्सीडेंट की कहानी बनाई गई है ये सरासर जो है सभी को गुमराह करने के लिए बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला का अगर मृत्यु घर में हुई है तो आखिर कब हुई है, कैसे हुई है, और महिला अगर दिल्ली पहुंची तो वो कैसे पहुंची। तो एक बहुत बड़ी गुत्थी जो है वो गुरुग्राम पुलिस के आगे आकर खड़ी हो गई है। महिला को जो शव है वो दिल्ली में मौजूद हुआ मिला है, लेकिन जो महिला रहने वाली थी वो गुरुग्राम की रहने वाली थी। यहाँ पर जो इस मामले का खुलासा है वो तभी हुआ जब परिजन जो है उस मकान में पहुंचे जहाँ पर ये 70 वर्षीय महिला रहती थी, अकेली रहती थी किराएदार के साथ। और वहां पर जाने के बाद जो है ये पता चला कि उस घर में जो है दीवारों पर और कई ऐसी जगहों पर जो है खून के धब्बे जो है वो वहां पर मिले हैं। बिल्कुल शिवानी, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार आरोपी तक पुलिस कब पहुंच पाती है, क्योंकि लगातार हर पहलुओं पर जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बुजुर्ग महिला की हत्या का जो मामला है वो पूरी तरीके से उलझता चला जा रहा है।